शुक्रवार को राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कर्मचारियों के बहुत से लंबित मुद्दे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 80 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर दिया है, जिसमें मुख्य मुद्दा 2016 का जो संशोधित वेतनमान है उसकी जो देनदारियां लंबित है उन्हें रिलीज करने बारे, महंगाई भत्ते की जो 3 इंस्टॉलमेंट लंबित है उसको रिलीज करने और कर्मचारियों की पदोन्नतियां लंबित पड़ी है उनकी समय रहते पदोन्नति की जाए। आज हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा महासंघ की प्रदेश एग्जीक्यूटिव की बैठक यहाँ आयोजित की गई। 27 अक्टूबर 2023 को हमारा जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें हज़ारों कर्मचारियों ने उन चुनाव में भाग लिया। उसके पश्चात प्रदेश में जो परिस्थितियाँ रही, उपचुनाव रहे, दूसरी चीज़ें रही, उस कारण हम इस बैठक का आयोजन नहीं कर सके। आज हमने इस बैठक का आयोजन यहाँ किया है। कर्मचारियों के बहुत से लंबित मुद्दे हैं, लगभग 80 सूत्रीय मांग पत्र हमने तैयार कर दिया है, जिसमें मेन मुद्दा 2016 का जो संशोधित वेतनमान है उसकी जो देनदारियाँ लंबित है उसको रिलीज करने बारे, महंगाई भत्ते की जो 3 इंस्टॉलमेंट लंबित है उसको रिलीज करने बारे, पदोन्नतियाँ जो कर्मचारियों की पेंडिंग है उनको समय जो ड्यू डेट उसमें कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ये बहुत सारी डिमांड है। 70-80 मांगों का मांग पत्र हमने तैयार कर लिया, बाकी भी डिमांड लोगों कर्मचारियों की चल रही है। एक है कि वो कर्मचारियों का हितैषी है, आप कह रहे हैं कि आप कर्मचारियों के हितैषी है, तो एक मंच पर बैठकर क्यों नहीं सारी कर्मचारियों की मांगों को रखा जाता सरकार के? मैंने पहले भी बहुत से आप साथियों को कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का जो अपना संविधान है उसके दायरे में रहकर जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके अनुसार हमने जो चुनाव हमने राज्य कर्मचारी महासंघ के चुनाव की है। इसमें प्रदेश भर के लगभग 55-60 विभागीय संगठनों ने पार्टिसिपेट किया, 12 जिलों के अध्यक्षों महासचिव और उनके कार्यकारिणी ने पार्टिसिपेट किया। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जो अपने आप को राष्ट्रीय महासंघ का अध्यक्ष व महामंत्री होने का दावा कर रहे हैं, वो एनपीएस का संगठन था, आज भी वो एनपीएस के संगठन के साथ है, उसका भी अध्यक्ष और महामंत्री अपने आप को मान रहे हैं। जबकि जो हमारा राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ का संविधान है इसमें सीधा प्रावधान है कि जब आप किसी दूसरे संगठन के साथ जुड़े हैं आप राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के सदस्य नहीं हो सकते। मैं आपके बात एक बार और कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के जो इस हाउस में लोग बैठे हैं या जो प्रदेश कार्यकारिणी में मेरे साथ नामित है या निर्वाचित है, वो ऐसे लोग हैं जो अपने विभागों में 5-5, 10-10 या 3-3, 4-4 टर्नओवरों से अध्यक्ष और महामंत्री है। मैं उन भाइयों से और प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय महासंघ की जो मजबूती है इसका जो गठन हमारे पूर्व कर्मचारी नेताओं ने अपने बलिदान देकर के 20 नवंबर 1986 को इसका गठन हुआ है, इसके गर्मा को बनाए रखने के लिए एक मंच पर आए ताकि कर्मचारियों के जो मुद्दे लंबित है इसका निदान किया जा सके। मुख्यमंत्री से मैं आपको और प्रदेश के कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम दोबारा से जल्द एक बैठक मुलाकात करेंगे, अपनी इस मांग को पुरजोर ढंग से रखेंगे। अगर उसके बावजूद भी कर्मचारियों को की मांगों को या हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अगली बैठक करेंगे और उसमें अगर हमें कोई कड़े निर्णय भी कर्मचारी हित में लेने पड़े हमें उसे ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।